मैडम मेरी बात सुनो, दानिया को पहला डोज मिल गया है। मेरे साथ आइए। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? पेट में दर्द था, दवाई दे दी है और अब दूध बनाने जा रही हूँ। दानिया कहाँ है? वो सो रही हैं। अजीब बेहोशी की नींद है क्या? बच्चों के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं खुद भी हैरान हूँ, रात को हमसे ज्यादा जाग के वो बच्चों का ख्याल रखती थी। शायद थक गई है आजकल, काम ज्यादा करती हैं। ये क्या फूल उठा लाए? आपको पता है बीबी को ना लाल गुलाब अच्छा लगता है, फौरन जाके ना ताजा ताजा लाल गुलाब लेके आए। हर दफा आपको बताना पड़ता है, क्या हो गया आपको? फरीद, फरीद जी मैडम, हरीसा बन गया जी, तैयार है। खीर तैयार है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बेफिक्र हो जाए। बस सही है। अच्छा शाह साहब, वो जो मैं उम्र से आई थी ना, वो लगा देना ड्रॉइंग रूम में। ओके मैम। सफाई ठीक होनी चाहिए। ओके मैम। शर्फो भैया, लंच में कोई सब्जियां बना लेना। थैंक यू। अरे जाग गए मेरे शहजादे। हेलो भाई, सलाम अलैकुम। रात को क्या हुआ था भाई? दांता था किसी ने, माला था, डलाया था। हाँ, नजर लग गई मेरे बच्चे को। अल्लाह सलामत रखे, खैर से। तानिया तैयार हो गई? नहीं, वो तो अभी तक सो रही हैं। पता नहीं कब गेस्ट रूम में गई हैं। सोरे? कमाल करती हो, इंसान है, थक गई होंगी तो नींद पूरी कर रही होंगी। हो जाता है ऐसे कभी कभी। यास्मीन वो देखो जरा, वो ये खुदा का खौफ करो, कैसे कपड़े पहने हुए तुमने मेरे घर में? क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसे कपड़े पहन के मेरे घर में कैसे घूम रही हो? प्लीज कुछ शलवार कमीज पहनो। क्यों? मेरी बहुत ही खास मेहमान आ रही है, उनके सामने ऐसे तुम नहीं घूम सकती, प्लीज।